इंडिया दिनों दिन, भारत हिंदुस्तान दिनों दिन स्पेस प्रोग्राम में मील का पत्थर साबित करते जा रहा है। अभी हाल ही में स्काई रूट नाम की एक प्राइवेट एंटिटी है, प्राइवेट कंपनी है, जिसने एक लॉन्च विक्रम नाम से लॉन्च किया और ये अपने लिए भारत के लिए एक बहुत ही सुनहरा और बहुत ही अच्छी बात है। तो आज हम लोग बात करेंगे उसी विक्रम के बारे में। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि विक्रम क्या है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम एस को 12 से 16 नवंबर 2022 के बीच प्रारंभ मिशन के तहत, मिशन का नाम क्या है, प्रारंभ, अंतरिक्ष में भेज कर इतिहास रखने के लिए तैयार है। स्काई रूट एरोस्पेस एरोस्पेस व्यवसाय से संबंधित भारतीय स्टार्टअप है। अभी एक नई कंपनी है लेकिन इसने मील का पत्थर साबित किया है। विक्रम एस रॉकेट एक चरणीय सब आर्टिकल प्रक्षेपण यान है जो 3 पेलोड ले जाएगा। कितने ले जाएगा? 3 पेलोड ले जाएगा। सब आर्टिकल प्रक्षेपण यान कक्षीय वेग से धीमी गति से चलते हैं, अर्थात बाहरी अंतरिक्ष तक पहुंचने के लिए इसकी गति पर्याप्त होती है लेकिन पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में रहने के लिए पर्याप्त गति नहीं होती है। तो हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी साइंस फॉर साइंस, और मैं आज बात कर रहा हूँ स्काई रूट के विक्रम 1 के बारे में। मैं हूँ शशि। आगे बढ़ने से पहले आप रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप लोग, स्टडी साइन फॉर साइन। हाँ जी, स्टडी साइन फॉर साइन, और मैं हूँ शशि। और ये रेड वाला बटन को क्लिक कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए क्योंकि जिससे मैं आप लोगों से कनेक्ट होता रहूँ और आपका प्यार मुझे मिलता रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह अंतरिक्ष प्रक्षेपण वाहनों की विक्रम श्रृंखला में अधिकांश प्रौद्योगिकियों के परीक्षण और सत्यापन में मदद करेगा। विक्रम 1 जो है अंतरिक्ष प्रक्षेपण में वाहनों की विक्रम श्रृंखला अधिकांश टेक्नोलॉजी के परीक्षण और सत्यापन में मदद करेगा। स्काई रूट 3 अलग अलग विक्रम रॉकेट संस्करणों पर काम कर रहा है। विक्रम 1 को 480 किलोग्राम पेलोड के साथ लॉन्च किया जा सकता है जबकि विक्रम सेकेंड को 595 किलोग्राम के साथ लॉन्च किया जा सकता है एवं विक्रम थर्ड में 815 किलोग्राम के साथ 500 किमी कम झुकाव वाली कक्षा में लॉन्च कर सकता है। 3 अलग अलग ये रॉकेट बना रहा है। पहला है विक्रम 1, दूसरा है विक्रम 2 और तीसरा है विक्रम 3। पहला 480 किलोग्राम पेलोड, दूसरा 595 और तीसरा 815 415 किलोग्राम के साथ 500 किमी के झुकाव वाले लॉन्च कर सकता है। प्रारंभ मिशन क्या है इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं प्रारंभ मिशन के बारे में। प्रारंभ मिशन का उद्देश्य 3 पेलोड को अंतरिक्ष में ले जाना है। प्रारंभ मिशन का उद्देश्य 3 पेलोड को अंतरिक्ष में ले जाना है जिसमें 2.5 किलोग्राम का पेलोड भी शामिल है जिसे कई देशों के छात्रों द्वारा विकसित किया गया है। प्रारंभ मिशन और विक्रम एस रॉकेट को हैदराबाद स्थित स्टार्टअप द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो तथा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के व्यापक समर्थन से विकसित किया गया है। प्रारंभ मिशन और विक्रम एस रॉकेट को हैदराबाद स्थित स्टार्टअप भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो तथा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के व्यापक समर्थन से विकसित किया गया था। तो आज हम लोग बात किए विक्रम 1 और प्रारंभ मिशन के बारे में और ये कब लॉन्च होने वाला है। 12 से 16 सितंबर के बीच में इसको लॉन्च करने वाला है ये प्राइवेट जो स्टार्टअप है स्काई रूट। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। जाने से पहले क्लिक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। और ये वीडियो मेरा आपके प्रीलिम्स के लिए, यूपी पीसीएस के लिए, बीपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए और यूपीएससी के लिए बहुत उपयोगी है। इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए क्योंकि प्री और जीएस पेपर थर्ड में इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। जय हिंद, बाय बाय।